यूपी कांग्रेस कमेटी कार्यालय के नाराज कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। दरअसल कर्मचारी वेतन न मिलने से नाराज हैं, साथ ही अपने आवास की बिजली पानी बंद होने की वजह से भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। तो वहीं प्रशासन ने मामले से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस कार्यालय के कर्मचारी अब नाराज है क्योंकि वेतन नहीं मिला और इसके साथ साथ उनको तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर जानते हैं आखिर क्या दिक्कतें हुई जिनके वजह से उन्होंने तालाबंदी की। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार शुक्ला। प्रमोद जी, ये बताइए कि आखिर क्या दिक्कत हुई, क्यों तालाबंदी करनी पड़ी आप लोग? बिजली काट दिए ये लोग और रास्ता बंद कर दिए हैं, पानी काट रहे हैं ये लोग, आए दिन ये लोग हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं 2003 का यहाँ का कर्मचारी हूँ, पुराने कर्मचारियों को निकाल के नए नए कर्मचारी रखे जा रहे हैं। पुराने कर्मचारियों को 14,000-15,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, आज के कर्मचारियों को 30,000-35,000 सैलरी दी जा रही है। हर चीज में यहाँ लूट खसोट हो रहा है। दूसरी चीज मुद्दा कि कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है, ये चीज है। धमकी कौन दे रहा है? यहाँ के लोग दे रहे हैं, यहाँ के नेता दे रहे हैं। यहाँ अध्यक्ष के पास हम लोग जा रहे हैं, अध्यक्ष कह रहा प्रशासन से मिलो, प्रशासन खुलेआम कह रहा जो करना करो, हम कुछ नहीं। यहाँ एक नेता है अनु गुप्ता, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर उनका आरोप है कि ये खुले तौर पर धमकी दी जा रही है, इनको घर खाली करने को कहा गया है, बिजली जो है काट दी गई है, तमाम तरीके से जो प्रताड़नाएं दे सकते वो दी जा रही है। क्या नाम आपका? रजनी उपाध्याय। ये बताइए कि आखिर क्यों आप लोग को ताला बंद करना? हम लोग की लाइट कटी, हम लोग जितनी महिलाएं थी सब गए अध्यक्ष जी के पास, अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रशासन जाने, मैं प्रशासन के पास सब जाने गई, मनोज गुप्ता से उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लाइट नहीं दे पाएंगे और हम महिलाओं से बात नहीं करते। महिलाओं से बात नहीं करते और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। क्या नाम? ये बताइए कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इससे पहले भी कोई दिक्कत? कुछ नहीं दिक्कत थी, कितने नेता आए कितने गए, ऐसे कभी जो है किसी ने ऐसा नहीं किया था अत्याचार जैसा अब हो रहा है। अध्यक्ष जी से मिले आप लोग? अध्यक्ष जी से मिले थे हम लोग, बिजली, हम लोगों की बिजली पहले जो है कहा गया कि क्वार्टर खाली करना है, क्वार्टर खाली कर दीजिए, उसके बाद जो है बिना हम लोगों से बताए, बिना सूचना दिए हम लोगों को बिजली काट दिए। उसके बाद हम लोग अध्यक्ष के पास गए तो अध्यक्ष जी ने बोला कि प्रशासन से कहिए, प्रशासन से कहा। सैलरी मिली कि नहीं मिली? कितने? नहीं, सैलरी तो हम लोगों को मिल रही है, सैलरी जो है सैलरी ही क्या है, लेकिन सैलरी मिल रही है, सैलरी वाली बात नहीं है, जो है वो मिल रही है, लेकिन तमाम जो सुविधाएं थी वो इनकी जो है काट दी गई है, बिजली काट दी गई है, पानी की लाइनें काट दी गई हैं, आवास इनसे खाली कराया, आखिर ये सब क्यों किया? इनको निकाल दिया गया सर, उसकी इतने सैलरी मिल रही है ना, उनका जो पैसा फंड में जो पीएफ कटा वो भी वो लोग रखे पड़े हैं, बीच में बीमारी आए, कितनी मुसीबतें आए, वो पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पर जो कर्मचारियों का आरोप है कि यहाँ पर जो है प्रदेश कमेटी के जो आला अधिकारी हैं वो भी बात नहीं करना चाहते, अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने प्रशासन को टाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी कांग्रेस कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस कार्यालय के अंदर लगातार जो है अध्यक्ष और उनके कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं और पुराने कर्मचारियों को निकालने के साथ साथ बिजली पानी की जो तमाम सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी गई हैं। कैमरा अमरीश के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।